ये कैसे संभव होता है? ये कैसे? इसके और भी दूसरे ये है, जन्म और तिरोभाव भी मनाते हैं। भगवान और भगवान की भक्त में कोई भेद नहीं। जन्म कर्म जन दीपम जो व्यक्ति तत्व स्वयं भगवान पिता में कहते हैं अर्जुन मेरे जन्म क्रिया कर्म आदि ये अलौकिक है, इसी वस्तु की वो जान लेते हैं और उनके संसार में पुनः आना नहीं पड़ता है। ये जन्म अथवा उनके तिरोभाव जो कहते हैं तो उसी संदर्भ में कहते हैं ये समस्त जो है केवल हम लोग के भाग हम लोग जैसे मैं जैसे मूर्ख व्यक्ति के समझाने के लिए है। वास्तव में नित्य ही है, नित्य ही भगवान जैसे नित्य है और भगवान के निजजन वैष्णव की सदा नित्य है। भगवान की मृत्यु नहीं है, वैष्णव की भी उसी प्रकार की नहीं है। केवल हमारे दृष्टि के समक्ष में आ जाते हैं और हमारे दृष्टि के बाहर चले जाते हैं। जब दृष्टि के सम्मुख में आ जाते हैं तब उसका हम कहते हैं आविर्भाव कह देते हैं, और हमारे दृष्टि के जब बाहर चले जाते हैं तब हम उसको तिरोभाव कहते हैं। किंतु गुरु वैष्णव सदा सर्वदा नित्य वर्तमान है, अनुभव जिसको है कोई अनुभव करते हैं। इसलिए ये विरह की संपत्ति और भी हमारे आचार्य जो बात करते हैं दी मन विशेष रह में निलम, जहां पर आज ऐसे सुंदर दिवस है जिन उनकी आज हम जीवन चर्चा वर्णन करेंगे श्रवण करेंगे वैष्णव के मुखार बिंद से उनके अपराध दिव्य चरित कथा श्रवण करेंगे। ये कैसे वे लोग नित्य गुरु वृंदावन धाम से इस जगत में प्रकट होकर के हमें कैसे शिक्षा दी। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवांशितं भजते एकादश विराट जास्पात तरु भवे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाठ करते स्वयं भगवान निज जनों के साथ परिकरों के साथ इस धराधाम में प्रकटित होते हैं और अनुग्रह करके हमें शिक्षा भी देते हैं। वे लोग साधक नहीं, नित्यता प्रकट अशुद्धता भक्ति प्रभाव परिवेश में साधक नहीं है, सिद्ध है, नित्य परिकर है। किंतु परिकर होते भी एक साधक के भांति हमें जीवन आदर्श दिखा रही है, किस प्रकार साधन करना है, किस प्रकार गुरु निष्ठा के साथ भजन करना है। इसलिए कहते हैं तप निज जन कौन महाजने पठाई आती रे तुमी, तप निज जन कौन महाजने पठाई आती रे तुमी। अहो आपके निज जन ऐसे महाजन के संसार में और देखकर हमें शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार साधन भजन करना है। जैसे पूर्ववर्ती भक्त ने श्रवण कराया जी किस प्रकार तिनादि सुनि तरुण तरुण व सुष्णा अवानिन मानदेन कीर्तनीय सदा की महाप्रभु के आचार्य प्रचारित जो प्रेम धर्म की जो प्रचार ये प्रेम धर्म की साक्षात मुक्तवान तिनादि सुनि मुक्तवान विग्रह प्रभुपाद के समस्त प्रकार के जो इच्छा के जो मनोभिष्ट के गुरु शिष्य के यही कर्तव्य है गुरु के मनोभिष्ट की पूर्ति किया। उन्होंने सारे जगत में प्रचार आदि कैसे सुंदर किया एक सेकंड लेकर क्षमा करें। और सारे जगत में ऐसे देश नहीं है मैं देश में जहां पर जो भक्ति प्रमुख परिपुष्ट मानस के मंदिर नहीं है और जहां पर ऐसे बहुत उनके मंदिर है। इससे ऐसे भक्ति प्रमुख परिवेश महाराज जीवन के आदर्श दिखाया लेखनी के द्वारा प्रभुपाद के सर्व भविष्य सर्व समस्त प्रकार के भविष्य के उन्हें पूर्ति किया जिसमें कहा जाता है पानी सेवा। एक होता है बपु सेवा और एक होता है पानी सेवा।
किंतु उन्होंने दोनों ही सेवा करके अच्छे प्रभु सेवा और वाणी सेवा के द्वारा ही जगत जीवों की यह आदर्श दिखाया। ऐसे महान पूर्व भक्ति पर हरि कृष्ण महाराज के चरण कमलों में मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मुझे आशीर्वाद करें, उनकी ये कृपा कण हमारे हृदय में वर्षित हो। अच्छा कृपा सिंधु देव हरिता वैष्णव चरित्र मधुर।